हैं सूरज भाई, जिन्होंने अयोध्या शाहगंज के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का वीडियो बनाकर हमें भेजा। सूरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। सामने देख सकते हैं डबलिंग से संबंधित जो रेल बेड है वो तैयार किया जा रहा है। हम जो आप लोगों को अपडेट देंगे वो अकबरपुर से गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के बीच में देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए पुल बनाने का जो काम है वो लगभग कर लिया गया है। यहाँ से जो हमारी ट्रेन चल रही है, जो ट्रैक की ऊंचाई है उसके लेवल में लाना है इस ट्रैक को। काफ़ी नीचा यहाँ पर ट्रैक है, देख सकते हैं जो रेल बेड है और ऊंचा किया जाएगा। SSP यहाँ पर बनी हुई है। सिंगल लाइन के लिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पहले ही कंप्लीट कर लिया गया है। अब आप लोगों को डबल लाइन के लिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का अपडेट दे रहे हैं। बैलास जगह जगह पर रखा हुआ है, ढेर रखा हुआ है, रेल बेड बना लिया गया है, उसके ऊपर बैलास फैलाकर ट्रैक बिछाने का काम किया जाना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात गौर करें तो सिंगल लाइन के लिए जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो पहले ही कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को मास्ट भी नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा अलग इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि जिस लाइन में यहाँ पर, यानी कि जिस साइड में यहाँ पर मास्ट लगे हुए हैं उसी साइड में डबलिंग का काम भी किया जा रहा है, तो ये एक अलग और अनोखी चीज़ हो गई। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ट्रैक बिछाने का काम कर लिया गया है यहाँ पर, लेकिन अभी तक ट्रैक में बैलास्ट फिल करने का काम नहीं हुआ है। तो जफराबाद से लेकर बाराबंकी तक वाया अकबरपुर अयोध्या कैंट होते हुए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर भी आने वाले समय में ये भी तेज़ रफ्तार वाला एक तरह से रूट हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा समय जो लखनऊ से वाराणसी के लिए लगता है वो इसी रूट से लगता है। सबसे कम समय लखनऊ से वाराणसी, लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी, इस रूट पर सबसे कम समय लगता है। जबकि वहीं बात करें रायबरेली प्रतापगढ़ रूट पर तो दूसरे नंबर पर वो रूट है। तो थोड़ा सा घुमावदार रूट है ये, और कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी इस रूट पर चलती हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था काफ़ी समय पहले सूरज भाई के द्वारा भेजे हुए वीडियो में कि डबलिंग के लिए जो रेल बेड है, यानी कि जो ट्रैक है, सबसे पहले यहीं पर बिछाया गया था, और अब देखिए कितना आगे तक ये काम पहुंच गया है। और इसकी जो संभावना है पूरा होने की वो 2024-25 में आराम से आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बैलास ढेर सारा मौजूद है और रेल ट्रैक जो है वो यहाँ पर भी बिछा हुआ है। बैलास भी फिल कर दी गई है ट्रैक के बीच में, स्लीपर के बीच में। इसके अलावा अभी हाल ही में बाराबंकी से अयोध्या कैंट के बीच में ई लोको द्वारा CRS स्पीड ट्रायल भी कराया गया सिंगल लाइन के लिए, और मालगाड़ियों का संचालन तो शुरू हो ही गया है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था इलेक्ट्रिक लोको वाली मालगाड़ी का व्यू। तो अब देखना है कि जो सवारी गाड़ी हैं, यात्री गाड़ी हैं, उनमें कब ई लोको लगता है। तो इसी महीने किसी ना किसी ट्रेन से शुरुआत ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी तेज़ रफ्तार से काम किया गया, यकीनन बहुत तेज़ रफ्तार से। और ज़्यादातर हम जो आप लोगों को अयोध्या कैंट से शाहगंज के बीच में डबलिंग रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दे पाते हैं वो सूरज भाई के माध्यम से ही दे पाते हैं, तो हम उनका भी तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कटहरी रेलवे स्टेशन आ रहा है, यहाँ से हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप यहाँ से गुजर जाएगी तेज़ रफ्तार से। और नए ट्रैक्स भी यहाँ पर बिछाए जा रहे हैं यार्ड में, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ाई जा रही है, प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। तो इस तरह से डबलिंग में यही फ़ायदा होता है कि यात्री सुविधाएं बढ़ जाती हैं, और इसके अलावा जो ट्रेनों का लाभ है वो भी मिलने लगता है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तेज़ रफ्तार से हमारी ट्रेन स्पीड से निकली, और ये देखिए तो यहाँ पर भी रेल बेड पूरी तरह से तैयार। तो बात यहीं चल रही थी कि हॉल्ट को फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलता है जहाँ पर डबल लाइन का काम चलता है, क्योंकि उसको स्टेशन बना दिया जाता है तो यात्री सुविधाएं भी बढ़ती हैं। और कुछ जो सबसे बड़ी बात है वो ये होता है डबलिंग में कि ट्रेनों को क्रॉस नहीं कराना पड़ता है। अब देखिए गोसाईगंज रेलवे स्टेशन आ रहा है और सब कुछ ओके है, और यहाँ पर भी काफ़ी समय लगना है। पूरी अपडेट हम आप लोगों को गोसाईगंज रेलवे स्टेशन से पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि LNT के पास ठेका दिया हुआ है और यहाँ पर कई प्लेटफॉर्म्स और कई ट्रैक्स का निर्माण कराया जाना है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो और दी गई जानकारी पसंद आई हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।